नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि मालामाल होंगे केंद्रीय कर्मचारी। 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। 18 महीने के पकार डीए एरियर पर आ गई है नई अपडेट। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकते हैं 18 महीने के बकार डीए एरियर के पैसे। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के खाते में 18 माह के 2 लाख रुपए से ज़्यादा कब डालने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने वीडियोज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। केंद्रीय कर्मचारी की मांग के बारे में बड़ा फैसला जल्दी होने जा रहा है जो काफ़ी लंबे समय से चल रही है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के अटके हुए 18 महीने के डीए एरियर पर बड़ा फैसला ले सकती है जिससे 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को फायदा होगा। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद सरकार एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों को डीए एरियर की राशि मिलती है तो महंगाई के खिलाफ यह एक बूस्टर डोज का काम करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को यदि 18 महीने का अटका हुआ पैसा मिलता है तो एक गणना के अनुसार कर्मचारी को लगभग 2,18,000 रुपये मिलेंगे। यह राशि उनके लिए एक बड़ा तोहफा होगी। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना में समय 18 महीने का डीए एरियर नहीं दिया, इसके लिए कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। अब जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी के खाते में 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा डाल सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।